भगवान को अपने दिल में समाए बसाए रखना दिन और रात, और उनकी विरह में तड़पना, ये उच्चतम गोपी भाव है। भगवान के लिए माँ यशोदा माखन निकालती है, ये वात्सल्य भाव है। भगवान को अपना पुत्र समझ के पालती है, ये वात्सल्य भाव है। जैसे एक माँ अपने पुत्र का हर तरह से ध्यान रखती है, उसी प्रकार से भक्त भगवान को हर प्रकार से सुख देना चाहता है, उनको सुखी करना चाहता है, उनको प्रसन्न करना चाहता है। पुत्रवत ये वात्सल्य भक्ति है। तो आपके अंदर जो भी भाव प्रकट हो रहा हो सच्चे रूप से, उसी भाव में आप भक्ति कीजिए। लेकिन दास भाव श्रेष्ठ भाव है। दास भाव से, दास भाव भी हमको प्राप्त हो तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। गोपी भाव तो बहुत ऊंचा स्तर है, वहां पर ध्यान नहीं दीजिए। इस संसार में भटकी हुई आत्माओं को कहां से गोपी भाव मिलेगा? दास भाव मिल जाए उसके लिए अनुग्रह कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हमको अपना दास बना लो। मीरा भाई दास भाव मांग रही है कि हमको चाकर बना लो, हमको चाकर राखो गोविंद, हमको कुछ मत दो, हमको अपना नौकर राख लो। मीरा भाई एक श्रेष्ठ भक्त भी चाकर बनने को प्रार्थना कर रही है, फिर हम बोले कि हम गोपी भाव में चले जाएं? ये तो आपकी भक्ति प्रखरता पे जाती है, तब गोपी भाव उदय होता है आपकी भावना में। ये प्रथम दर्जा नहीं है, ये तो पांचवा दर्जा है। पहले दर्जे पे तो शांत भाव है, दूसरे पे दास भाव है, दास का भाव, तीसरे पे सखा भाव है, चौथे पे वात्सल्य भाव है, पांचवे पे उत्तम शिखर पर जाके गोपी भाव है। ये इसलिए हमको भगवान की सेवा करते हुए भजन करना चाहिए। भगवान की सेवा जितनी भी सामर्थ्यता हो उस सामर्थ्यता से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये भगवान की प्रेरणा है हमको। भगवान इस राज विद्या का वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्याश्च परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान कहते हैं कि जिनकी जिन पुरुषों के हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, धर्म के बारे में कुछ वो जानते ही नहीं है, अधर्म में ही जिन्होंने कदम रखा हुआ है या अज्ञानता में भ्रमित हो रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, उजाले को पहचानते ही नहीं, जिनके हृदय में कोई श्रद्धा नहीं, यह छोटी मोटी श्रद्धा है तो डगमगाती हुई जैसी श्रद्धा जिसे कोई वैल्यू नहीं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्याश्च परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ऐसे पुरुष तो बार बार इस संसार में ही मृत्यु के ग्रास बनते हैं, मृत्यु के आहार बनते हैं। अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं करते, कैसे प्राप्त करेंगे? लेकिन भगवान ने तो बोल दिया, आप लोग भी जानते हैं, बिना श्रद्धा के आप भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? आप भी जानते हैं इस बात को, लेकिन भगवान ने भी बोल दी वो बात। भगवान सिंपल सरल हृदय से ये ज्ञान दे रहे हैं। सरल हृदय में जो आया उन्होंने बोल दिया कि अगर श्रद्धा नहीं है तो तुम कैसे मुझे प्राप्त करोगे? जब तुम धर्म के बारे में जानते ही नहीं तो मुझे कैसे प्राप्त करोगे? जब आत्मा का ज्ञान भी तुमको नहीं है कि तुम एक आत्मा हो,
तो मुझे कैसे प्राप्त करोगे, मुझे कैसे जानोगे? जब तुम इतना ही जानते हो कि मैं एक शरीर हूं, अब मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं मर गया, तो तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। जब कुछ नहीं जानते और कुछ भी श्रद्धा तुम्हारे अंदर नहीं है, तो भला मुझे कैसे प्राप्त करोगे? अरे मुझे प्राप्त करने के लिए तो आपके हृदय में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, मेरी दृढ़ सतत भक्ति होनी चाहिए, मेरा सतत स्मरण होना चाहिए, मुझसे प्रेम होना चाहिए सतत, जैसे तेल की धार सतत गिरती है ऐसे प्रेम सतत बहना चाहिए हृदय से भगवान के प्रति। तो श्रद्धा ही नहीं तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? अश्रद्धाना पुरुषः धर्मशास्य परंतप। परंतप कहा है जो अपने शत्रुओं को सजा देता है, चेस्टाइजर ऑफ द एनिमीज। अर्जुन का नाम परंतप दिया है, परंतप, जिसको देखते ही शत्रु भागते हैं, काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच, ये विशेष शत्रु हैं, ये अर्जुन के पास नहीं टिकते। अर्जुन को संबोधित करें परंतप कहकर, हे परंतप, ये कहां से तुझे मोह आ गया कि मेरे मर जाएंगे? मोह तो तेरे पास टिकता ही नहीं, यू आर ए चेस्टाइजर ऑफ द एनिमीज, तुम तो अपने शत्रुओं को सजा देने वाले हो। इसलिए भगवान के एक एक वाणी में ज्ञान वाण है, ज्ञान का बाण छुपा हुआ है। अर्जुन को बाण मार रहे हैं परंतप कह करके। अर्जुन मोहग्रस्त है, संसार मोहग्रस्त है, भगवान ने बाण मारा है परंतप कह करके कि तुम ब्रह्म स्वरूप आत्मा हो, तुमसे तो ये काम क्रोध मदमोह भयभीत होते हैं, तुम्हारे पास नहीं फटकते, फिर ये तुम्हें क्या हो गया आज कि तुम कामी बने हुए हो, भोगी बने हुए हो, क्रोधी बने हुए हो, मोहित हो रहे हो मेरे और मैं और मेरे पर, इन शरीरों पर, इन खजानों पर, इन कार और बंगलों पर, ये पद और प्रतिष्ठाओं पर। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्य परंतप, अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो मुझे जान ही नहीं सकते, प्राप्त करना तो बहुत दूर है। तो बताइए जिन लोगों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति 1% भी श्रद्धा नहीं है और वो गीता की व्याख्या करते हैं, उनको कैसे भगवान की समझ प्राप्त होगी? भगवान के विषय में वो भला क्या व्याख्या करेंगे और क्या भगवान को जानेंगे और कैसे भगवान को प्राप्त होंगे? जिनकी नीम खोखली है वो कैसे भवन उठाएंगे? उठा ही नहीं सकते। कैसे कदम उठाएंगे भगवान की ओर, भक्ति की ओर, भगवान के धाम की ओर जाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, जिनकी श्रद्धारूपी नीम खोखली है, कैसे कदम उठाएंगे? पंगा आदमी कैसे आगे कदम बढ़ाएगा जिसके पांव काम ही नहीं करते? ऐसे ही है, जिनकी श्रद्धा ही खोखली है, श्रद्धा है नहीं हृदय में, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है और वो गीता की व्याख्या करते हैं, ऐसी व्याख्याएं झूठ है। गीता के पवित्र श्लोकों के साथ में पोती हुई स्याही है जिसमें केवल उनकी ही वासना छुपी हुई है, भगवान कहना क्या चाहते हैं और वो कह क्या रहे हैं अपने स्वार्थवश।
पवित्र भक्त के, भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से निकली हुई वाणी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शना। जिन ज्ञानी भक्तों ने मुझे तत्व से जान लिया है, उनके चरणों में हे अर्जुन जाकर प्रणाम कर और उनसे वो विद्या प्राप्त कर, जिस विद्या के प्राप्त हो जाने से मेरी भक्ति, मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है, मेरी प्राप्ति होती है। श्रद्धा ही नहीं है ऐसे गुरुओं के पास जाके तुम क्या लोगे, भगवान को समझ लोगे? नहीं। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है ऐसे गुरुओं के चक्कर में जाके क्या लोगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे? नहीं। भगवान के धाम को प्राप्त कर लोगे? नहीं। भगवान को प्राप्त कर लोगे? नहीं। भगवान के समझ लो, जान लोगे? नहीं, नहीं जान सकते, नहीं कदम बढ़ा सकते। ऐसे गुरुओं के पास जाके तेली के कोलू के बैल तो बन सकते हो कि यहीं जन्म मरण जरा व्याधि में चक्कर लगाते रहो बस, बाकी एक कदम भी इटर्निटी की तरफ आपका नहीं उठता यदि आपके हृदय में श्रद्धा नहीं या आपका गुरु कोई शुद्ध भगवान का भक्त नहीं। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मशाश परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। ये मृत्यु संसार से नहीं निकल पाता है, बार बार मृत्यु का ही भोजन बनता है, मृत्यु के मुख में जाता है, जन्म मरण जरा व्याधि के चक्कर में भटकता है बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार अलग अलग माताओं के गर्भों में जाके उल्टा लटकता है कर्मों के अनुसार, मुझे प्राप्त नहीं होता। मुझे, मेरी प्राप्ति तो मेरे शुद्ध भक्तों को ही होती है, उस परम धाम की प्राप्ति मेरे शुद्ध भक्तों के लिए है। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं, श्रद्धा भी तीन प्रकार की कही है, वो भी भगवान आगे गीता में समझाएंगे, सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुणी श्रद्धा। तमोगुणी श्रद्धा जिनके अंदर होती है वो कहते हैं भगवान कि वो भूत प्रेतों को, यक्ष किन्नर राक्षसों को पूजते हैं या अपने बॉसों को प्रसन्न करते हैं, अपने बॉस के प्रति श्रद्धा होती है। श्रद्धा तो उनके हृदय में होती है लेकिन अपने बॉस के प्रति श्रद्धा होती है, अपनी फैक्ट्री के प्रति श्रद्धा होती है, अपनी औरत के प्रति, माँ बापों के प्रति श्रद्धा होती है, अपने बुरे कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है, तमोगुणी लोगों की। भूत प्रेतों की और जादू टोने करने वाले गुरुओं की प्रति श्रद्धा होती है। ये श्रद्धा किस काम की? ये श्रद्धा तो नरक में ले जाने वाली श्रद्धा है। माता पिता, मैंने इसलिए कहा कि शरीरों के प्रति श्रद्धा होती है कि ये मेरा मैया है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मैं हूं, और कौन है पता नहीं, मरने दो सबको, ये तमोगुणी श्रद्धा है, भूत प्रेतों की श्रद्धा है। रजोगुणी श्रद्धा है, देवताओं को पूज रहे हैं लोग क्योंकि उनको संसार का वैभव चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो देवताओं को पूज रहे हैं, युद्ध में फतेह पाने के लिए दुर्गा माताओं को पूज रहे हैं, काली माता, चामुंडा माता, शंकर भोलेनाथ, ये रजोगुणी श्रद्धा है। सत्वगुणी श्रद्धा में आदमी भजन करता है, मुझे जानने की कोशिश करता है, मेरी सेवा में आता है, मेरी शरण में आता है और सिद्धि को प्राप्त करके, जब सिद्ध हो जाता है तो मुझे प्राप्त करता है, मेरा धाम प्राप्त करता है।
मुझे प्रसन्न करता है, मैं उससे मिलता हूं आकर। तो ये श्रद्धा है, श्रद्धा बिना भगवान की प्राप्ति नहीं है। भगवान को पाने के लिए तो भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा और विश्वास में बहुत भेद है, ये भी जान लेना। विश्वास तो आज आपका है, कल टूट सकता है। जैसे एक मित्र के साथ आप विश्वास रखते हैं कि मेरा मित्र के साथ मेरा बहुत विश्वास है। कभी आपने मित्र को 10,000 रुपये दिए कि मेरा मित्र है, दे देगा, वापस लौटा देगा, मुझे विश्वास है। और जब वो नहीं लौटाता है तो आपका विश्वास टूट जाता है। फिर आप कहते हो मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया था, तू कहता था पूर्णमासी को दूंगा, अब तो कई पूर्णमासी निकल गई, देता क्यों नहीं मेरे पैसे, कैसा मित्र है तू, तेरे ऊपर मुझे कोई विश्वास नहीं, चला जा इधर से। आपका विश्वास टूट गया। विश्वास ऐसी चीज है जो बनता और बिगड़ता है, यानी संसार का है। श्रद्धा है वो आत्मा की भावना, पवित्र भावना में जड़ जमाता है, श्रद्धा जमाती है। श्रद्धा एक बार जब जड़ जमा लेती है तब टूटती नहीं, आपके सामने मृत्यु भी आए नहीं टूटती, तकलीफें आए नहीं टूटती। जिसकी श्रद्धा गहरी जड़ जमा के भगवान के प्रति है, वो श्रद्धा कैसे टूटेगी, नहीं टूटेगी। उसके सामने कितनी भी आपत्ति विपत्ति आए, श्रद्धा नहीं डगमगाएगी। वो दुख में भी राम का नाम लेगा, सुख में भी राम का नाम लेगा, महलों में भी उसको वास दिया जाए तो भी उसको नहीं भूलेगा, उसके ही गुणगान करेगा, उसको ही धन्यवाद देगा। और अत्यंत दुखों में भी चला जाए तो भी उसको ही धन्यवाद देगा, उन दुखों को भी भगवान का ही प्रसाद समझ के ग्रहण करेगा और सोचेगा कि कोई भगवान की कृपा से कोई मेरा पाप कट रहा है इस दुख के कारण, जब पापों से उऋण हो जाऊंगा तो सुखी मिलेंगे। लेकिन श्रद्धा नहीं टूटेगी, श्रद्धा आड़ी बनी रहेगी, नहीं डिगेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं, राज विद्या को प्राप्त कर पाते हैं। जिनकी श्रद्धा गीता के ऊपर है, गीता का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। जिनकी श्रद्धा नहीं है वो कैसे करेंगे? गीता ज्ञान तो उनको ही प्राप्त होगा जिनकी श्रद्धा गीता पर है। जिनकी श्रद्धा कहीं अन्यत्र है उनको कैसे गीता का प्राप्त ज्ञान प्राप्त हो? भगवान ने कहा है कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। ये मृत्यु संसार में बार बार आते रहते हैं, जन्म लेते हैं, मरते, बुढ़ापा आता है, डुकरा जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, कैंसर, डायबिटिक्स, टीबी, दमा और कोई, आंखों से दिखता बंद हो जाता है, दांत सारे निकल जाते हैं, मुंह में बास आती है, झुर्रियां चेहरे पर हो जाती हैं, कोई मिलना बैठना भी पसंद नहीं करता, रिश्तेदार और मित्र लोग भी आते बंद हो जाते हैं। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, फिर पुनर्जन्म होता है। जवानी में लाख समस्याओं से जूझे, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर मृत्यु आ गई, फिर कहीं कोई मां के कर्मों के अनुसार किसी मां के गर्भ में जाके लटकते हैं, छोटे से पिंड की तरह हाथ पांव निकलते हैं, सर निकलता है, ऊआं ऊआं करके बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते ही ऊआं ऊआं करने लगते हैं, पैरों पे खड़े होते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, आ ई करते हैं, फिर बड़े पढ़ लिख जाते हैं, फिर मरते हैं। ये बोलो ये जन्म मरण जरा व्याधि के चक्कर में तेली के कोलू का बैल घूमता है ऐसे, बस एक ही जगह चक्कर लगाते रहते हैं,
आपने देखा तेली के बैल की आंखों पर काली पट्टी लगी होती है,